hard to stop. और जब अपने गुरु की सिफत करने का मौका मिलता है तो फिर वो तो उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है. सो आई विल गो बैक फ्लैशबैक 20 years, एंड जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दैट्स माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस विद गुरु महाराज. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नो इट्स योर गुरु हु फाइंड्स यू, इट्स योर गुरु हु ब्रिंग्स यू टू हिज दरबार. जब वक्त और घड़ी बराबर होता है तो गुरु जी यू नो फाइंड्स यू व्हेन योर सोल नीड्स हिम द मोस्ट. और वैसे ही we got invited to Guruji's darbar. So my dad had been hearing about Guruji since 93, but you know, baat suni aur ansuni karke aayi gayi hogi baat, and he could never go. So this is in 98 or 99. My dad had retired by then, and he'd retired as a general from the Indian Army. Aur we were still in school. Aur jab tum us ohde se retire hote ho, you know, while you're you know, in service, so life is different. But army se retire hone ke baad aisa lagta hai, are hum to abhi bahut chote hain, ab aage ki life kaise chalegi, because you're accustomed to a certain lifestyle, and you know, finding the right job, finding the right fit. So you know, as a young teenager, meko bada stress ho gaya tha ki ab aage kya hoga. So I'd written a letter to Sai Baba Delhi, I think, ke, you know, my dad should get some sort of a governorship, because after retiring from that post, वो कहीं नौकरी तो उनको मिलेगी नहीं. तो मैंने वो चिट्ठी लिख दी. आई डोंट नो क्या हुआ, बट उसके आई थिंक एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद गुरुजी का बुलावा आ गया, एंड द पर्सन हु टुक अस टू गुरुजी वाज मामी जी. गुरुजी यूज्ड टू कॉल हर मामी जी, जनरल मोहन सिंह वाइफ. फर्स्ट डे वी डिड नॉट अकंपनी आवर पेरेंट्स, मी एंड माय सिस्टर स्टेड बैक, बट माय मॉम एंड डैड वेंट. और जब पापा गुरुजी से मिले तो गुरुजी ने उनसे पूछा, क्या आपको मेरे बारे में पता था? So my dad said, हाँ जी गुरु जी पता तो था. So then he said, अगर पता था तो आप आए क्यों नहीं? तो my dad was, you know, struggling for words, कि क्या बोले आप. तो before my father could say anything, गुरु जी himself said, कि आप इसलिए नहीं आए क्योंकि आपका वक़्त नहीं आया था, और अगर आप गलती से भी उस टाइम आ जाते तो बहुत फ़ायदा उठा लेते. And my dad said, कोई बात नहीं गुरु जी, अब सारी कसर निकाल लेंगे. And you know, गुरु जी laughed, and true to that phrase, वाकई ही, you know, गुरुजी की कृपा असीम है. So ऐसा हुआ कि my mom was a diabetic when she went to Guruji, और गुरुजी उस टाइम पे बहुत खुला प्रसाद बांटते थे, यानी कि एक बार मिले भर भर के, जो उनकी एक मुट्ठी में प्रसाद वो देते थे वो हमारे दो हाथों में ऐसे करके फिट नहीं आता था, और एक बार खाने के बाद फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार. एंड माई मॉम वॉज लाइक सिवियरली डायबिटिक, और कोई मेडिकल साइंस इसको रैशनलाइज नहीं कर सकती, इसका कोई लॉजिक नहीं निकाल सकती, दैट हाउ आफ्टर ईटिंग अमृतीज एंड समोसाज एंड जलेबीज इन वन इवनिंग आप जाकर अपनी शुगर टेस्ट करते हो और आपकी शुगर नॉर्मल आती है. सो दैट वाज लाइक अ टर्निंग पॉइंट, ओ माय गॉड, के यू नो ऐसे इन द डेट ऑफ यू नो डेट इन एज ऑफ साइंस एंड लॉजिक एंड रैशनल ऐसा भी होता है. एंड देयर वाज समथिंग अबाउट दैट यू नो कि गुरुजी के पास जाके गुरुजी का ऐसा एक नूर, ऐसा एक ऑरा होता था कि आई कांट फाइंड द राइट वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैट, बट इट वाज एज इफ अ मैग्नेटिक फोर्स वाज यू नो कॉलिंग यू, एंड ही यूज्ड टू लुक सो रेडिएंट एंड सो हैंडसम कि ऐसे लगता था कि आप कोने से बैठकर उनको बस देखते रहो, पर जब गुरु महाराज आपकी तरफ देखते थे तो आप उनसे नजर नहीं मिला पाते थे, बाय डिफॉल्ट आपकी आंख नीचे हो जाती थी, इतना तेज होता था. So I went the next day because Guruji had told my parents ke he asked about us, ke acha kitne bacche hain ye wo, so he said bring your daughters tomorrow. So next day we went, and guru ke darbar mein everybody is an individual soul. Yes, we come as families, koi you know kisi ki behan, kisi ki maa, kisi ki beti, but guruji ke darbar mein hum aate hain to apna individual you know apni journey lekar aate hain. Everybody has a different perception, har ek ka connection different hota hai, har ek ka nazariya different hota hai, और हर एक का यू नो बॉन्ड गुरुजी के साथ अलग होता है. सो व्हेन आई वॉक्ड इन मैंने देखा कि ओ माय गॉड, सच अ हैंडसम यू नो ब्यूटीफुल चोला, ब्यूटीफुल रोब में गुरुजी बैठे हुए हैं, एंड जो तेज था मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, और यू नो एक आंटी पैर दबा रही है, एक हाथ दबा रही है, एक कंधा दबा रही है, और मेरे को ऐसा लगा ऐसा ये तो इंद्रलोक में आ गए, जहाँ यू नो आसपास अप्सराएं हैं. और गुरुजी की संगत बड़ी हसीन थी, दिल्ली के यू नो ऑल द टेक्नोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स द क्रेम डे ला क्रेम ऑफ दिल्ली गुरुजी के दरबार में बैठी होती थी, जो लिटरली आप पेज 3 सेलिब्रिटीज देखते हो वो आपको फर्स्ट हैंड गुरुजी के दरबार में मिलती थी.
एंड मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आने लग गया कि यस यू नो माहौल बहुत अच्छा है, बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है, बड़ा पीस मिलता है, एंड इट्स अ प्लेस जहां आप बार बार आना चाहते हो, यू नो इट जस्ट केप्ट पुलिंग यू. बट मेरे को लगता था कि यू नो सुनने में आता है कि भगवान है, पर अगर ये भगवान है तो दिल्ली के सारे गरीब कहाँ गए. और उसके बाद फिर आहिस्ता 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 पता चला कि वहाँ सत्संग की प्रथा भी होती है. तो मेरे को ये बहुत ऑकवर्ड लगता था कि अगर गुरु जी ने किसी पे कृपा करी है देन व्हाई डू वी नीड टू अनाउंस इट. सो दीज आर जस्ट द क्वेश्चंस दैट एज अ टीनएजर केप्ट कमिंग टू माय माइंड कि यू नो दिल्ली के सारे गरीब क्यों कहाँ गए, सत्संग क्यों होता है यहाँ पर, एंड स्टफ लाइक दैट. एंड गुरु जी नोइंगली, आई मीन वी ऑल नो जानी जान है और वो हर एक की मन की बात जान लेते हैं. एंड हाउ ही एड्रेस्ड दोज क्वेश्चंस, यू नो आई विल शेयर विद यू. सो सबसे पहले तो माई फेथ स्टार्टेड गेटिंग सीमेंटेड बिकॉज मेरे खुद के जो एक्सपीरियंसेस होने लगे. मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, अगले दिन मैं गुरु जी से छुट्टी लेने लगी. तो मैंने गुरु जी को ऐसे यू नो चलते टाइम बोला ऐसे, गुरु जी मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है. So he looked at me and he started asking me questions on elasticity and demand and supply or ye wo, ek question, dusra question, teesra question. So I was like, you know, wo mujhse sawal pe sawal pooch rahe hain, he's not even listening to my answers. Aur agar mere answers mein interest nahi hai to wo itne questions kyun pooch rahe hain. To wahan ek aunty baithi thi, she said, beta note karo, ye aapko aapka question paper bata rahe hain. So uske baad maine bade focused mind se wo questions jaake ghar mein study kiye and you know, sure enough, I passed the exam in flying colors. तो मेरे को लगने लगा कि वाओ ये बड़ी अमेजिंग जगह है कि यू नो ये समझ आ गया था कि कोई ये सिद्ध महापुरुष है who has the ability to foresee and forewarn. बट ये समझ नहीं आया था कि ये साक्षात महाशिव है. वो समझने में बहुत साल निकल गए. एंड आई थिंक गुरु जी वॉन्टेड इट दैट वे क्योंकि वो हमारी आंखों पे पर्दा डाल के रखना चाहते थे. बिकॉज वी एज मियर मॉर्टल्स, you know, such lowly beings, अगर हमें उस टाइम समझ आ जाता that we are face to face with God, तो शायद हम अपने आप को संभाल नहीं पाते. So ऐसे life चलने लगी. वहाँ मैं देखती थी कि you know people with the worst unheard terminal diseases would come और वो लंगर प्रसाद खाकर ठीक हो जाते थे. तो मेरे को लगता था वाह, you know obviously all these suited, booted, extra wealthy people, इनको resources की तो कोई कमी नहीं थी. वो सारी दुनिया जहान घूमकर आए, जब उनको कहीं और से कुछ नहीं मिला तो उनको महाराज की ब्लेसिंग मिली. और जब तुम आंखों देखी ये चीजें देखते हो, यू नो हाउ डू यू एक्सप्लेन. आई वुड लुक एट मिसेस शोरी, अरुण शोरीज वाइफ. द फर्स्ट टाइम शी केम इनटू गुरुजीज दरबार, शी वाज सपोर्टेड बाय 4 men, शी कुडंट वॉक. एंड विद इन मंथ्स यू नो आई सॉ शोरी आंटी डांस इन फ्रंट ऑफ गुरुजी क्योंकि गुरुजी ने उनको ठीक कर दिया था. So things like this started happening. Or you know, life may, as you know, auntie said, कि life तो वही रहती है, लेकिन life को जीने का नजरिया बदल जाता है. You know, your mindset changes. You feel कि गुरुजी के साथ आपको हौसला मिल रहा है, and you just keep going. So that's, I think, the confidence that your God instills in you is priceless. I'll fast forward a couple years. I got married, I came here. When I had my first child, I developed a herniated disc at 4L5. And it was so bad that I couldn't even walk. I couldn't carry myself to the restroom. Meko lagta tha ki main paralyzed ho gayi hu for life. And, you know, that's it. This is, and I had an infant. Wo ghar mein ro rahi hoti thi. And I couldn't lift her. I couldn't bend. And I felt that I was like a complete vegetable. So he would, you know, my husband would take her in the morning, drop her off somewhere because I was not capable of taking care of her. And you know, ये दो तीन बार हुआ that I was hospitalized, मेरे को spine में shots लगे. That's when I told my parents कि मेरे को, you know, L4, L5 बहुत severe backache होती है, and so much that I, you know, I'm immobile. So my parents went to Guruji. हमारे पास तो एक ही रामबाण है. You know, मरता क्या ना करता, when all else fails, you run to him. And Guruji gave me a lota. और मैंने दो या तीन बार उस लोटे से पानी पिया. And Sangat ji, I don't know where my pain went. या क्या उसकी, you know, scientific explanation थी. I'm right here in front of you all. I can do everything. जब मेरे को लगता था कि oh my God, मैं चल नहीं सकती, मैं उठ नहीं सकती, मैं बैठ नहीं सकती. And 3 days of drinking, you know, that blessed water from lota, my pain was gone. And then, you know, I'll fast forward a couple years because I want to touch upon every aspect. This is the health piece of it. In 2011, we saw a very, very bad time financially. And it was so bad that
you know, when my 6 year old would ask me for 10 bucks, I had to refuse ki mere paas paisa nahi hai tumhe dene ke liye. How it happened, I don't want to get into that, but for 14 months, for 14 full months, we had no source of income coming into the house, but we were still in the same house, driving the same cars. I don't have any explanation for how that happened and how that kept going. But, you know, people would come see me and they would say, oh, tu hamesha hasti rehti hai, you're always smiling. And I was like, wow, Guruji, you've kept this facade. कि यू नो किसी को नोबडी कैन सी व्हाट आई एम गोइंग थ्रू सो थैंक यू कि आपने ये जो ऊपर का बना के रखा हुआ है दैट आई एम एबल टू स्माइल इन पब्लिक आई एम एबल टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस आई एम एबल टू गिव होप व्हेन आई एम माइसेल्फ इन सच अ होपलेस सिचुएशन दैट्स ग्रेट दैट्स योर ग्रेस एंड यू नो थिंग्स टर्न अराउंड और कैसे गुरु जी ने आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम पे गुरु जी ड्रीम में आए थे मेरे और जब टाइम खराब चल रहा होता है तो रात भर नींद तो आती नहीं है सो आई यू नो इट वाज आई थिंक 3-4 बजे का टाइम था एंड गुरुजी सपने में आके कहते हैं कि कमली तू परेशान क्यों होती है एंड ही सर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो यू नो तुझसे पहले किसी पे नहीं आई या तेरे बाद किसी पे नहीं आएगी एंड यू नो इट सर तेरे को तो पता है पंजाबी में उन्होंने बोला एंड माई पंजाबी इज टेरिबल सो आई एम नॉट यू नो गोना ट्राई एंड रेप्लिकेट व्हाट ही सेड बट द एसेंस वाज ही सेड कि तेरी 90% प्रॉब्लम मैंने अपने पे ली है 10% कि इतनी नोक तुमसे सही नहीं जा रही तुम उसमें ही घबरा गए एंड ही सेड दैट एंड आई गॉट सो मच यू नो पीस आई वाज लाइक यू नो ये 10% तो अपना कर्म है ना भुगतना पड़ेगा एंड नाउ अप्स एंड डाउन्स जो भी लाइफ में आता है एक चीज समझ आ गई है कि वो खुद का ही कर्म है जो हमारे सामने आ रहा है और उसको हमें फेस करना ही है सो या रोकर फेस कर लो या हंसकर फेस कर लो वो आपका आउटलुक है So that happened. Guruji, kaise, you know, he got me my first break. It's another miracle. He came in my dreams. I was supposed to go for my interview to Franklin Lakes at Express Scripts, and that's a beautiful campus. So, wo campus unhone mereko pehle sapne mein dikha diya tha, and I saw Guruji pacing up and down in that campus. So, when I went for my interview to that place, I said, "Arey, ye to mereko sapne mein aaya tha, to mujhe ye job mil jayegi." So, my interview happened. I didn't hear back from them for 3 weeks. But मैंने सबको बताना शुरू कर दिया था ऐसा मेरे को I'll get my first break and my you know my husband was looking at me that she's crazy she doesn't know कि IT में recruitment में 3-3 हफ्ते कोई नहीं wait करता if the position needs to get staffed it'll get staffed in a week so if you haven't heard back that means it's not happening but I was confident I said नहीं ये हो ही नहीं सकता मेरे को गुरुजी ने सपने में वो जगह बनाई है ये तो मिलेगी and I did not get that job जिसके लिए मैंने interview किया था but from the same place a week later I got an offer. I interviewed for the second time and I got the job at the same place. And uske baad how my role got changed and you know it's amazing. Okay, from you know starting off as a business analyst, within months I did my PMP without even experience. And you know he launched me off, you know, off on a different path and when I look back I was like wow I've come a long way. And it's not me, it's him because there is no logical you know sequence or correlation as to how that could have happened. You know, my salary got doubled and craziest things started happening. You know, Sandy, I remember in 2012, we were struck by Sandy. For months, you know, everything was shut down and we were literally getting paid for nothing. Laptop nahi mila. I was hesitant ki, oh God, ye naya role mil gaya, ye kaise kaam karungi. Laptop hi nahi mila for months. Aur paycheck ghar pe aata tha. So, you know, his ways are amazing. Uske baad, when I wanted to buy our first house, we were short a couple thousand dollars. And again, I was very positive. I said, Guruji kara rahe hain, to zarur ho jayega. So, you know, maine ek do logon ko mention kar diya. I said, is this when hamari closing hai? So again, my husband got very upset. He's like, tum pehle announce kar deti ho. Abhi tumhe pata nahi ki itna delta hai. You know, kaam hone se pehle hi tum dhendura pee dete ho. I said, look, if it's meant to happen, Guruji kara denge. And believe you me, again, days before closing, I got an ACH into my account for exactly the same amount. कहां से आया क्यों आया कैसे आया आई मीन इट वॉज फ्रॉम कॉग्निजेंट आई नो बट इट वॉज हिम डूइंग इट एंड एवरी सिंगल डे इफ आई एम एबल टू सॉल्व इट इज बिकॉज ऑफ हिम इफ आई एम यू नो पॉजिटिव हैप्पी वॉकिंग टॉकिंग इट्स बिकॉज ऑफ हिम एंड लाइफ इज नेवर गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेस अगर गुरु जी के पास आ गए हो तो ये नहीं कि यू नो अब सब कुछ हंकी डोरी हो जाएगा एंड यू स्टार्ट लुकिंग एट लाइफ यू नो थ्रू रोज टिंटेड ग्लासेस नहीं प्रॉब्लम्स तो आएंगी अप्स एंड डाउन आएंगे बट सो लॉन्ग एज यू आर अंडर हिज लविंग फोल्ड हिज लविंग गेज
उनकी प्रोटेक्शन के नीचे हम हैं, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है हमारे लिए. एंड गुरुजी नोज व्हाट्स बेस्ट फॉर यू. गुरुजी वुड से मंगो नहीं मनो, क्योंकि हम मांगकर अपना खुद काम खराब करते हैं. अगर विश्वास है महाराज पे तो फिर अपनी जिंदगी की लगाम उनको दे दो ना. सो माई अर्ज माई रिक्वेस्ट टू द इंटायर संगत इज दैट प्लीज लव योर गुरु अनकंडीशनली. गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते थे. ही वॉज दैट गुरु जिनको मैंने देखा है कि जब तक बाहर के ड्राइवर्स भी लंगर नहीं खा लेते थे, ही वुड नेवर ईट हिज लंगर. तो वो कौन सा भगवान है? हमने अपने शास्त्रों में देखा है कि खाना सबसे पहले हम भगवानों को देते हैं, भगवान को पहले भोग लगा. लेकिन ये लाइव साक्षात महाशिव आखिर में खाना खाते थे अपनी एक एक संगत को अच्छी तरह से खिलाकर. एंड his blessings are amazing. The experiences I've had with him, I got an opportunity to one evening he called me when I was at college. I had my dad's cell phone. To guruji ka phone aata hai. I was surrounded by my friends and guruji kehte hain ki kar rahi hai, aur maine apni awaaz neemi karke kahi, maine kaha guruji aaj na papa ka phone mere paas hai, daddy ka phone tere kol hai. Maine kaha haan ji guruji. And I was trying to like rush him that oh my god I'm so embarrassed. So he said शामी की कर रही है. ऐसे गुरुजी अभी तो कॉलेज में हूँ. अच्छा शामी आ जाए. मैं कहा अच्छा गुरुजी आ जाऊंगी. डैडी नू ना लेकर आई. मैं कहा अच्छा गुरुजी. ते मम्मी नू घर छोड़ के आई. मैं कहा अच्छा गुरुजी. और मैंने अच्छा अच्छा करके आई जस्ट रश्ड यू नो आई सेड कि बड़े एम्बैरेसिंग होगा, यू नो माय फ्रेंड्स आर गोना थिंक कि कैसी है इसको गुरु लोग फोन करते हैं. सो मैंने फोन रखा एंड आई हैड टू पिक अप माय डैड फ्रॉम कनॉट प्लेस. मैंने उनको पिक किया. ऐसे आज गुरुजी ने बुलाया. And it was a non-sangat day. So, ghar gaye and humne you know freshen up hone lage. My mom said, "Acha Guruji ke jaare mein fat fat taiyar hokar aati hu." Asal aap rehne do, aapko nahi bulaya. So she was very disappointed. She said, "Acha mujhe nahi bulaya." But Guruji ka hukam sara ko pe. So me and my dad went, and that was the most beautiful, the most cherished evening of my life. There was nobody. Guruji was sitting in his room. और जब संगत से यू नो संगत का टाइम 7 बजे होता था, तो उससे पहले गुरुजी यू नो काफी अपने शॉर्ट्स वगैरह में होते थे विद हिज जॉर्जियो अर्मानी सॉक्स एंड वेरी फैशनेबल ऑन पॉइंट. और वो भी हमारे लिए होता था बिकॉज गुरुजी वुड से दैट मैं तो डिवाइन लाइट हूँ, लेकिन वी एज मियर मॉर्टल्स वी गेट इम्प्रेस्ड बाय दीज थिंग्स. सो कलयुग में भगवान को अपने आप को मोल्ड करना होता है अपने भक्तों के लिए. एंड दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग. एंड यू नो उनके लिए नारियल पानी आया, उन्होंने एक सिप लिया, ही गेव द रेस्ट टू मी. उसके बाद हम किसी संगत के घर गए यू नो लंगर करने के लिए. सो यू नो दोज एक्सपीरियंसेस आर प्राइसलेस. वन टाइम मैं बर्थडे पे उनके लिए चॉकलेट्स लेके गई. ही वाज सिटिंग ऑन हिज सिंहासन. ही रिमूव्ड हिज जूतीज. ही सेड एले चक तेरा प्रसाद. एंड ही गेव मी हिज जूतीज दैट ही वाज वेयरिंग. व्हेन माय सिस्टर गॉट मैरिड यू नो उनके लिए चोला कार्ड वगैरह लेके गए, क्योंकि रिवाज ये होता था कि पहला कार्ड आप गुरुजी से साइन कराते थे एंड देन गुरुजी को डिस्ट्रीब्यूट यू नो कार्ड के जिस जिसको देना है. तो गुरुजी अपने कमरे में लेके गए, हम सबको अपने हाथों से लंगर खिलाया. सो दोज थिंग्स आर द थिंग्स आई रियली वांट टू होल्ड ऑन टू बिकॉज देयर आर सच अमेजिंग ब्लेसिंग्स. एंड यस यू नो कलयुग में भी भगवान देखा है हमने, उनको छुआ है, महसूस किया है. बट जो संगत आज गुरुजी के साथ जुड़ रही है, आई सल्यूट यू ऑल बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड एंड सीन हिम इन द राइट फॉर्म. हमें तो कई साल लग गए समझने में कि ये कौन थे. और जो संगत आज की तारीख में जुड़ रही है, वो उनको तो पूरी फ्रॉम डे वन यू नो ग्रेजुएट्स पता है कि किसके साथ जुड़ रहे हो. सो इसी तरह जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा संगत को यू नो गुरु महाराज की महिमा के बारे में बताइए. एंड अंडर हिज प्रोटेक्शन, अंडर हिज लव, दिस वर्ल्ड इज डेफिनेटली अ मच बेटर प्लेस. जय गुरु.